आज हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ये कहाँ है? रेगुलेशन 81 कस्टम रेगुलेशन 10 में दिया हुआ है, सीएमआर 2017। लेकिन सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए अभी, सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि ऑटोमेटिक कंट्रावेंस होता क्या है, कहाँ लगता है, इसका फंक्शन क्या है। यदि वो चीज समझ आ गया तो ये स्टेचुटरी प्रोविजन समझने में 1 मिनट लगेगा, ठीक है? ये ऑटोमेटिक कंट्रावेंस क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है ये, जो कि वाइंडिंग इंजन के साथ लगता है। साथ में जो हम केज को ऊपर नीचे करते हैं उसके लिए अपने आप ही ना केज हो जाएगा, उसके लिए क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? वाइंडिंग इंजन का। वाइंडिंग इंजन में ढेर सारे सेफ्टी डिवाइसेस है, हम एक दिन उसका क्लास लेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस और सेफ्टी फीचर्स ऑफ वाइंडिंग इंजन। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइसेस है ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ठीक है? मतलब कहाँ लगता है ये? वाइंडिंग इंजन का एक ये सेफ्टी डिवाइसेस है, वाइंडिंग इंजन का एक अटैचमेंट है। इतना क्लियर हुआ? अब इसका फंक्शन क्या? दो टूल फंक्शन है। कितने फंक्शन है? देयर आर ओनली टू फंक्शन। पहला काम इसका है ओवर स्पीडिंग को रोकना और दूसरा है ओवर वाइंडिंग को रोकना। कैसे रोकता है? इसका सेटिंग दिया रहता है, उसको सेट कर दिया अपने ऑटोमेटिक कंट्रावेंस को। तो ओवर वाइंडिंग कब होगा? जब आपका शाफ्ट के टॉप पर न रुक के केज एकदम ऊपर चले गया और ऊपर जाके हेड गियर में क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। और टकरा गया तो वहां पर भी सेफ्टी डिवाइसेस है, लेकिन यदि वो सेफ्टी डिवाइसेस काम नहीं किया तो टकराने के बाद रोप के पल अलग हो जाएगा और केज सीधा गिर जाएगा। कहां पे? शाफ्ट के अंदर। कितना भयानक दुर्घटना होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओवर वाइंडिंग तभी ना होगा जब हमारा जो टॉप मोस्ट लैंडिंग है, जो सब टॉप का जो लैंडिंग है, उससे ऊपर यदि हमारा केज ना जाए। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रावेंस क्या करता है? इसको सेटिंग, वो उसके ऊपर जाने ही नहीं देगा केज को। क्या करेगा? इंजन को रोक देगा। जब इंजन रोक देगा तो इंजन से ना ऊपर नीचे होता है, वो एक निश्चित पोजीशन में आने के बाद इसको ऊपर जाने नहीं देगा, तो ओवर वाइंडिंग रुक जाएगा। ओवर स्पीडिंग, यदि ऑपरेटर या जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है वो यदि उसका स्पीड भी बढ़ाता है, लेकिन सेटिंग दिया हुआ ऑटोमेटिक कंट्रावेंस जो ऊपर आ रहा हुआ केज है, असेंडिंग केज और डिसेंडिंग केज है, उसको एक निर्धारित स्पीड पर ही चलने देगा। जिस यदि नीचे जा रहा केज है तो पिट बटन में या शाफ्ट बटन जिसको बोलते हैं, या कोई दूसरा लैंडिंग है, वहां पर उसको 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से लैंड नहीं करने देगा, ठीक है? और जो ऊपर आ रहा केज है, असेंडिंग केज है, उसका भी स्लो बैंकिंग कराएगा। और रेगुलेशन में तो ये वाला जो हम बोलने जा रहे हैं वो नहीं दिया, सर्कुलर में दिया हुआ है कि 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा जब ऊपर के जा रहा है, ताकि जब लैंडिंग हो, जब वो रुके तो झटका कम आएगा, आपको जर्किंग कम होगा। यही ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का फंक्शन है। तब हम उसका स्टेचुटरी देखेंगे, स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या है, और इसका टेस्टिंग करते हैं 7 दिन में और 30 दिन में। तो अब हम देखते हैं ओरिजिनल ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का स्टेचुटरी प्रोविजन, ये उसका बेसिक हुआ। इस रेगुलेशन 81 के सब रेगुलेशन 10 में क्या दिया है? क्या दिया है कि इन एवरी शाफ्ट, हमारे टाइम पे ये नहीं था, जो पुराना कैंडिडेट जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए बैठ रहे होंगे वो लोग चेंज कर लीजिएगा। हमारे टाइम में क्या था वो भी बता दे रहा हूं। हमारे टाइम में था कि 100 मीटर डेप्थ से ज्यादा वाले मेन वाइंडिंग शाफ्ट में वाइंडिंग इंजन के साथ ऑटोमेटिक कंट्रावेंस लगाना, ये हम लोग के टाइम का था। 1957 वाले रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, वो चेंज कर दिया है 2017 के रेगुलेशन में। अब नया रेगुलेशन में क्या है कि इन एवरी मेन वाइंडिंग शाफ्ट
ऑटोमेटिक कंट्रावेंस शैल बी प्रोवाइडेड विद वाइंडिंग इंजन। क्लियर हुआ? अब यहां डेप्थ का कोई बार नहीं रहा 2017 वाले में। पुराने कैंडिडेट जो पहले से पढ़ाई कर रहे होंगे वो 100 मीटर वाला याद करके रखे होंगे, उसको भूल जाइए। ठीक, फिर दूसरी लाइन में लिखेगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ, क्या लिखेगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ, काहे के लिए दिया आपने ये जो अटैचमेंट दिया है सेफ्टी डिवाइसेस, काहे के लिए दिया फॉर प्रिवेंशन ऑफ, काहे के लिए क्या बताए, ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर वाइंडिंग, और दूसरा क्या बताया फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीड, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीड। ये दो टूल तो काम है, यही लिखा है स्ट्रक्चर प्रोविजन में। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है टू कंट्रोल, क्या बोला टू कंट्रोल डिसेंडिंग केज, टू कंट्रोल डिसेंडिंग केज एंड लैंड एट पिट बॉटम और अदर परमानेंट लैंडिंग नॉट मोर देन, ये वाला याद रखिएगा नॉट मोर देन, ऑब्जेक्टिव के लिए नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे वो लैंड नहीं करेगा। ठीक है, जब नीचे जा रहा है तो उसका स्पीड कम रहेगा, कम रहेगा तो धीरे से लैंड कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, डाउन जो जो डाउनवर्ड केज जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग केज है, उसका स्पीड इससे ज्यादा नहीं रखेगा 1.5 मीटर पर सेकंड से, नॉट मोर देन आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में लेस देन 1.5 मीटर पर सेकंड, नॉट मोर देन 1.5 सेकंड, तो क्या रहेगा नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड नीचे जाने वाले की बात कर रहे हैं भैया, और जो ऊपर आएगा और उसमें ऊपर दूसरे लाइन में लिखेगा टू कंट्रोल असेंडिंग केज और स्लो बैंकिंग ऑफ असेंडिंग केज, ब्रैकेट में लिख के रखिएगा, वो रेगुलेशन में लिखा सर्कुलर का चीज है, कितना असेंडिंग केज का 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रखिएगा, और ये रखिएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, पूछेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, या चूज द करेक्ट ऑप्शन, फंक्शंस ऑफ दे देगा ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, और दो तीन सेट बना देगा, उसमें एक सेट में यह रहेगा बाकी दूसरे सेट में इन्हीं में से को उठा के एक एक गलत वाला डाल देगा। तो काहे के लिए करते हैं इसको, ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग के लिए। इतना कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या है, इसके बाद टेस्ट है। टेस्ट करेगा कौन, टेस्ट कौन करेगा, इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज। ठीक है, क्या टेस्ट करेगा वो, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, दो है ख्याल रखिएगा 7 डेज ऑब्जेक्टिव के लिए भैया फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले 7 डेज और 3 मंथ्स, कितना है जी 7 डेज और 3 मंथ्स, इस 7 डेज में क्या करेगा और 3 मंथ्स में क्या करेगा। ठीक है, 7 डेज में क्या करेगा, हर इन वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में कम से कम एक बार क्या करेगा, रेजिंग इच केज, मतलब हर केज को कितना केज रहता है, दोनों रहता है, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है, देखा है ना वाइंडिंग में, और नहीं देखा तो समझ लीजिए, एक केज जब ऊपर आ रहा होगा तो एक नीचे जाता है, तो रेजिंग इच केज, इसलिए बोला एक बार जो ऊपर आया उसको तो कर लिया, जो नीचे गया अब इसको नीचे कर दीजिए तो जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, रेजिंग इज इच केज इन टर्न, मतलब एक के बाद एक, रेजिंग इच केज इन टर्न टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ द टॉप मोस्ट लैंडिंग, जो आपका टॉप मोस्ट लैंडिंग है उससे पास करके देखना है हर एक केज को, तो पास करके देखेंगे तो क्या होगा, खाली पास करके देखेंगे, इसलिए पास करके देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक कंट्रावेंस उस केज को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, क्योंकि रोकने के लिए ना लगाया है कि जो उसका परमानेंट लैंडिंग है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर गया तो ओवर वाइंडिंग हो जाएगा, तो रोक रहा कि रुक रहा है, इसलिए हर कैच को, दोनों कैच को वन बाय वन इन टर्न क्या करना है,
उस लास्ट कंट्रोल पॉइंट जो आपका टॉप मोस्ट लैंडिंग है उससे पास करके देखना है, देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं। काम कर रहा है तो आपका जाने नहीं देगा, आपको इंजन नहीं रोकना है, चलाते रहना है और देख रहा है कि वो रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल से अपना काम करेगा, पकड़ लेगा, इंजन को ही रोक देगा। अब इंजन ही रोक देगा तो क्या होगा, आगे सब कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अब सेफ है आपका, मतलब क्या हुआ कि आपने जो टेस्ट किया उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस काम कर रहा है ये पाया। तीसरा दूसरा टेस्ट क्या करते हैं, हर 3 महीने में करेगा कौन, इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज। 3 महीने में क्या करेगा, केज को नीचे उतारेगा। क्या बोल रहे, देखिए नीचे उतारेगा, 3 महीने में नीचे उतारेगा और 7 दिन वाले में ऊपर लाएगा, ठीक है, एक्सेसिव स्पीड पर उतार के देखेगा, केज को एक्सेसिव स्पीड पर उतार के देखेगा। तो हमारा तो है कि जो नीचे जा रहा केज वो कितना स्पीड में रहना चाहिए, 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड नहीं रहनी चाहिए, तो एक्सेसिव स्पीड पर उतार के देखेगा। और इसके लिए क्या करेगा कि पोजीशन चेंज कर देगा, साथ में कोई एक जगह को मान लेगा कि ये मेरा लैंडिंग है, तो उस लैंडिंग की जगह पे आपका ऑटोमेटिक कंट्रावेंस उस केज को रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा, इतना ही ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का है। और ऑटोमेटिक कंट्रावेंस से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन के पेपर में एक ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी, जब भी कभी एग्जाम होगा, एक बार कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है।